हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आप देख सकते हैं आज हम लोग गेट 2018 के जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। आप लोगों को पता है रेकॉन जो है एप्टीट्यूड सीरीज चला रहा है ताकि उनके स्टूडेंट्स एप्टीट्यूड में बेनिफिट हो सके, अपना एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस स्ट्रेंथन कर सकें। ओके, आजकल जो है एप्टीट्यूड हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट वेटेज कैरी कर रहा है, इसलिए हम लोगों ने ये डिसीजन लिया है कि वी आर गोइंग टू सॉल्व द गेट जनरल एप्टीट्यूड। ठीक है, हम इसकी सीरीज लॉन्च करने वाले हैं गेट की, उसमें आपको 2018, 2017 जितने भी प्रीवियस ईयर गेट्स के जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन हैं उसमें हम लोग आप लोगों को वीडियो सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, हेमाज एज इज 5 ईयर्स मोर देन ट्वाइस हरीश एज। ठीक है, सुरेश एज इज 13 ईयर्स लेस देन 10 टाइम्स हरीश एज। इफ सुरेश इज 3 टाइम एज ओल्ड एज हेमा, हाउ ओल्ड इज हेमा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए ये एज का क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको जो स्टेटमेंट दिया है उसको आपको इक्वेशन के फॉर्म में सब्स्टिट्यूट करना है। तो देखते हैं, यहाँ पे आपको 3 वेरिएबल है, एक हेमा, ठीक है, हरी एंड सुरेश। ठीक है, अगर मैं हेमा को एम से डिनोट करूं, हरी को आर से डिनोट करूं और सुरेश को एस से डिनोट करता हूं, राइट, तो यहां पे देखिए क्या बोला हुआ है, हेमा की एज जो है 5 साल ज्यादा है, 2 गुना जो हरीश की एज के ट्वाइस से। ठीक है, तो मैं अगर इसकी इक्वेशन फॉर्म लिखूं तो एम इज 5 ईयर्स मोर देन ट्वाइस ऑफ हरीश एज। ठीक है, तो ये एम इज इक्वल्स टू 5 + 2 आर, ये आपके पास पहली इक्वेशन आ गई। ठीक है, दूसरी इक्वेशन में क्या बोल रहा है, सुरेश की जो एज है वो 13 ईयर्स लेस देन 10 टाइम्स हरीश एज। इसका मतलब क्या है, अगर मैं एस की बात करूं, ठीक है, तो 10 टाइम्स अगर हरीश की एज की बात करूं तो 10 आर, इससे आपको 13 घटाना है, ठीक है, तब आपको सुरेश की एज मिल जाएगी। ठीक है, ये दूसरी इक्वेशन आ गई। अब तीसरी इक्वेशन क्या बोल रहा है, क्योंकि आपके पास 3 वेरिएबल हैं, ठीक है, और इनके सॉल्यूशन चाहने के लिए आपको 3 इक्वेशन बनानी पड़ेंगी। ठीक है, तीसरा इक्वेशन क्या बोल रहा है, सुरेश की जो एज है वो 3 टाइम्स एल्ड एज ओल्ड एज हेमा, तो एस इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स एम, राइट। इस तरह से आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, फाइनली आपको हेमा की एज पूछ रखी है, ठीक है, तो एम की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। यहां से सिंपली आप एम की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, पहला इक्वेशन को मैं पूरा एम के टर्म्स में बनाना है तो मुझे आर को एम के टर्म्स में लिखना होगा। आर को एम के टर्म्स में कैसे लिख सकता हूं, एस को यहां पे एम के टर्म्स में सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। ठीक है, तो मैं इक्वेशन 2 को उठाता हूँ, एस को मैं एम के टर्म्स में सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, 3m + 13 / 10 = r, यह आपके पास r की वैल्यू आ गई। इस r को मैं इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ तो आप देखिए इक्वेशन क्या बन जाएगी, m = 5 + 2 times r, 2 × 3m + 13 / 10, ये आपके पास इक्वेशन होने वाली है, राइट। तो इस इक्वेशन को अगर मैं यहाँ से देखिए 5 टाइम्स इसको मैं कैंसिल आउट कर देता हूँ, 5m = 25 + 3m + 13, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो यहाँ से आप सिंपली देख सकते हैं 2m = 38, m = 19 ईयर्स। सिंपल सा सवाल था, बस आपको जो स्टेटमेंट दे रखा है उसको इक्वेशन के फॉर्म में सब्स्टिट्यूट करना, आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो m की वैल्यू आप 19 ईयर्स बड़ी आसानी से भूल सकते हैं, ठीक है, आपका m की वैल्यू 19 ईयर्स आ जाएगी। ओके, स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। टावर ए इज 90 मीटर टॉल एंड टावर बी इज 140 मीटर टॉल। दो टावर हैं, ठीक है, एक 90 मीटर टॉल है, एक 140 मीटर टॉल है, दे आर 100 मीटर्स अपार्ट। अ हॉरिजॉन्टल स्काई वॉक कनेक्ट्स द फ्लोर एट 70 मीटर इन बोथ द टावर्स। ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल स्काई वॉक है, आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, सिटीज में जो दो टावर्स के बीच में आप स्काई वॉक्स देखे होंगे, वही स्काई वॉक है, ठीक है, पेडेस्ट्रियन टाइप का होता है इंसान के जाने के लिए। ओके, तो वो 70 मीटर पे आपको हाइट में कनेक्ट करता है दोनों टावर को। इफ अ टॉट रोप कनेक्ट द टॉप ऑफ द टावर ए टू द बॉटम ऑफ द टावर बी एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द टावर ए विल द रोप इंटरसेक्ट द स्काई वॉक। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझते हैं कि क्या बोला जा रहा है इस क्वेश्चन में। यहाँ पे एक टावर ए है, ठीक है, जो 90 मीटर टॉल है, एक दूसरा टावर है, ठीक है, वो यहाँ पे 140 मीटर टॉल, इसको मैंने टावर ए बोल दिया, इसको टावर बी बोल दिया। अब क्या बोल रहा है, 70 मीटर पे एक स्काई वॉक है, पेडेस्ट्रियन टाइप का, दोनों टावर को कनेक्ट करता है लोगों के आने जाने के लिए,
ठीक है, इसकी हाइट यहाँ पे 70 मीटर गिवन, ठीक है, ये स्काई वॉक है। अब बोल रहा है टावर ए से आपको एक रोप ज्वाइन है जो टावर ए के टॉप से और वो टावर बी के बॉटम को टच कर रही है इस टाइप से, ठीक है। तो आपको ये डिस्टेंस पूछी हुई है टावर ए से किस डिस्टेंस पे, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे ये स्काई वॉक को कट करेगी, इसको मैं एक्स मान लेता हूँ, राइट, दिस डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को मैंने एक्स मान लिया, बस यही आपको पूछ रहा है। तो बहुत आसान है, इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं। अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री अप्रोच से बोलूं तो ये एंगल थीटा होगा और ये एंगल भी थीटा होगा, राइट। सिमिलर ट्रायंगल से भी आप कर सकते हैं, दोनों मेथड से मैं आपको बता देता हूं। अगर दोनों एंगल थीटा है तो टेन थीटा की वैल्यू यहां से निकाल लेता हूं। देखिए अगर मैं ट्रायंगल यहां पे ये पॉइंट ए मान लूं, मैं ये पॉइंट बी मान लूं, ये टावर ए के टॉप को मैं टी पॉइंट बोल देता हूं, टी ए, ठीक है। तो आप देखिए ट्रायंगल टी ए ए और बी में, ठीक है, इस ट्रायंगल में टेन थीटा की वैल्यू क्या है, टेन थीटा इज इक्वल्स टू 90 मीटर डिवाइडेड बाय, ये डिस्टेंस भी आपको दे रखी है दोनों टावर्स के बीच की जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये आपको 100 मीटर्स गिवन, 90 अपॉन 100 हो जाएगा, मतलब 9 अपॉन 10 आपके पास टेन थीटा आ गया, ठीक है। इसी टेन थीटा को आप इस ट्रायंगल में लगा लीजिए, इस पॉइंट को मैं एस बोल देता हूं और इस पॉइंट को हमारा ओ बोल देता हूं, ठीक है। तो ट्रायंगल टी ए एस ओ की अगर मैं बात करूं तो टेन थीटा इज इक्वल्स, ठीक है, ये डिस्टेंस 90 मीटर है पूरी और ये 70 मीटर है, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये डिस्टेंस आपकी 20 मीटर हो जाएगी, ठीक है, 20 डिवाइडेड बाय x, यही x आपको निकालना है। तो tan थीटा की वैल्यू अपन 9 अपॉन 10 रख देते हैं, 20 बाय x, तो आप यहां से x की वैल्यू बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, x इज इक्वल्स टू 200 अपॉन 9, राइट, इसका आंसर आप देखेंगे 22.22 मीटर आ जाएगा। तो x की वैल्यू आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, ये तो पहला अप्रोच हो गया ट्रिग्नोमेट्री से। अगर मैं सिमिलर ट्रायंगल से देखूं, देखिए यहाँ पे कौन से दो ट्रायंगल सिमिलर है, ठीक है, एक तो आपका ये ट्रायंगल सिमिलर है। फ्रेंड्स मैं आपको रेकॉन के बारे में बताना चाहता हूँ, रेकॉन हमारा एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप हमारे वीडियो लेक्चर्स ले सकते हैं और घर बैठे कहीं भी कभी भी किसी भी समय आप हमारे वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं और नॉलेज गेन कर सकते हैं। फ्रेंड्स देयर इज नो नीड टू गो टू द क्लासरूम, किसी भी डिजायर्ड टाइम इंटरवल में आप अपने हिसाब से पढ़ाई कर सकते हैं, आप अपना स्टडी का कंट्रोल है वो आप अपने हाथ में रख सकते हैं, राइट। यू कैन वॉच अवर वीडियो एनी नंबर ऑफ टाइम्स टू गेट द कंसेप्ट क्लियर, राइट। इफ यू आर अ काइंड ऑफ स्टूडेंट फ्रेंड्स जो आप गेट ESC या फिर किसी भी PSUs या फिर कोई भी स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो यू कैन हैव अवर पैकेजेस ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। हमारे पैकेजेस बहुत फ्लेक्सिबल हैं जो आपको आपके डिजायर्ड गोल के हिसाब से पैकेजेस प्रोवाइड करते हैं, राइट फ्रेंड्स। सो प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड विजिट अवर साइट rconline.in एंड एंजॉय सिविल इंजीनियरिंग लर्निंग। ओके सो लेट्स गेट बैक, कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल TASO इज सिमिलर विथ ट्रायंगल TAAB, ठीक है, ये बड़ा ट्रायंगल TAAB, ये जो ट्रायंगल है ये आपका इस ट्रायंगल से सिमिलर है, ठीक है। सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, कोई भी दो एंगल अगर ट्रायंगल्स में बराबर हो जाएं तो वो सिमिलर होते हैं, एक ये थीटा थीटा बराबर है, एक 90 डिग्री दोनों में बराबर है, राइट। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो सिमिलर ट्रायंगल में जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो होता है वो बराबर होता है। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो में क्या बोल सकता हूँ, छोटे ट्रायंगल में 20 बाय बड़े ट्रायंगल का 90 करस्पॉन्डिंग साइड्स, ठीक है, इज इक्वल्स टू, आप यहाँ पे इस छोटे ट्रायंगल का मैं एक्स मान लू, एक्स बाय 100, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं, एक्स इज इक्वल्स टू 20 × 100 डिवाइडेड बाय 90, वही सॉल्यूशन आ गया, इट इज 200/9 22.22 मीटर्स, ठीक है। इस तरह से भी आप अप्रोच कर सकते हैं, आप यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक अप्रोच से भी कर सकते हैं, ओके राइट। तो आप इसका सॉल्यूशन आप यहाँ से बोल देंगे, इट्स 22.22 मीटर, ओके। तो अगला क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। द टेम्परेचर टी इन अ रूम वेरीज एज अ फंक्शन ऑफ आउटसाइड टेम्परेचर टी नॉट एंड द नंबर ऑफ पर्सन प्रेजेंस इन द रूम पी, ठीक है। इस टाइप का आपको फंक्शन दे रखा है टेम्परेचर का, टी इज इक्वल्स टू के टाइम्स थीटा पी प्लस टी नॉट, जहां पे के और थीटा जो है वो क्या है आपका कॉन्स्टेंट्स है, वो वेरी नहीं कर रहे हैं। व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ थीटा गिवन द फॉलोइंग डेटा, ठीक है। आपको यहाँ पे टी नॉट पी टी की वैल्यू दे रखी है, कुल मिला के आपको ये बोल रहा है बस ये सारी वैल्यूज इक्वेशन में पुट कर दो और आप के और थीटा फाइंड आउट करके ले आओ, क्योंकि दो वेरिएबल हैं, मतलब दो कॉन्स्टेंट्स हैं,
ठीक है, और हमारे पास दो इक्वेशन बन जाएगी करस्पॉन्डिंग, ये पहली पेयर ऑफ जो आपके कॉन्स्टेंट्स हैं और ये दूसरी पेयर ऑफ वैल्यूज है, ठीक है। ये दोनों पेयर ऑफ वैल्यूज अगर आप यहाँ पे रखते हैं तो आपको k और थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, राइट। तो मैं अगर बोलूँ k को मैं एलिमिनेट करने के लिए, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ टी वन बाय टी टू इज इक्वल्स टू, डिवाइड कर दिया बस इक्वेशन से, थीटा पी वन प्लस टी नॉट वन डिवाइडेड बाय थीटा पी टू प्लस टी नॉट टू, राइट। इसी इक्वेशन में मैं एक बार टी वन रखा, टी वन पी वन और टी नॉट वन, तो एक इक्वेशन बनेगी टी टू पी टू और टी नॉट टू, अगर दूसरी वैल्यू रखूंगा तो दूसरी इक्वेशन बनेगी, दोनों को डिवाइड कर दूंगा तो के एलिमिनेट हो जाएगा, राइट। तो यहां से बस ये वैल्यू मैं यहां पे सब्सटीट्यूट कर देता हूं, टी वन की वैल्यू देखिए 32.4 डिवाइडेड बाय टी टू की वैल्यू 42 इज इक्वल्स टू थीटा, पी वन क्या है 2 थीटा प्लस टी नॉट वन क्या है 25 डिवाइडेड बाय 5 थीटा, पी टू जो है इतना 5 थीटा प्लस टी नॉट टू, ये टी नॉट टू 30 है, राइट। तो बस ये वैल्यू यहां से आप थीटा आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर लीजिए, बड़ी इजी है, ठीक है। 32.4 इंटू 5 ये कितना हो जाएगा आपके पास 162 थीटा, ठीक है, प्लस 32.4 इंटू 30 972 इज इक्वल्स टू 42 इंटू थीटा 84 थीटा प्लस 25 इंटू 42 कितना होता है इट इज 1050, ठीक है। यहां से आप देखिए ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 78 थीटा इज इक्वल्स टू 78, राइट। थीटा इज इक्वल्स टू 1, ये आपके पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी, बड़ी आसानी से थीटा यू कैन कैलकुलेट, ठीक है। तो बस यहां से आपको एक इक्वेशन दे रखी थी, इस इक्वेशन में ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और थीटा की वैल्यू निकालनी है, राइट।